आज के वीडियो स्पेशली उन्हीं के लिए है जिनको HDFC बैंक में अकाउंट नहीं है और वो जो है HDFC बैंक में अकाउंट ओपन कराना चाहता है और उनसे जो अकाउंट ओपन नहीं हो रहा है खुद से, तो आप जो है ये वीडियो देखने के बाद बहुत ही आसानी से आप HDFC बैंक में अकाउंट ओपन कर सकते हैं। स्वागत, मैं इंजीनियर राजा और मैं आपसे शेयर करता हूं कि अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस रेड बटन को दबा के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस तरीके का नया नया वीडियोस पाइए आप रोजाना। इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि इस तरीके से आप घर बैठे आप अपने मोबाइल फोन से लैपटॉप से बहुत ही आसानी से आप HDFC बैंक में अकाउंट ओपन कर सकते हैं। इसके लिए आपको दुकान में जाने के या साइबर कैफे में जाने के वहाँ पर लंबी लंबी लाइन लगा के आपको पैसे खर्च करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप जो है ये वीडियो देखने के बाद बहुत ही आसानी से HDFC बैंक में आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो HDFC बैंक में अकाउंट कैसे ओपन किया जाता है ये देखने के लिए भैया आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना होगा, तभी आप समझ जाएंगे किस तरीके से आप HDFC बैंक में अकाउंट ओपन कर सकते हैं बिना कहीं भाग दौड़ किए। तो इस वीडियो को आप कम्प्लीटली लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अपने डेस्कटॉप पे आ जाइएगा। डेस्कटॉप पे आने के बाद आपको क्या करना है, अपने ब्राउज़र को ओपन कर लीजिएगा। जैसे मैं यहाँ पर क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद आपको कुछ इस तरह से आइकन देखने को मिलेंगे। आपको यहाँ पर टाइपिंग कर देना है HDFCbank.com। HDFCbank.com टाइपिंग करने के बाद सर्च कर दीजिए। सर्च करने के बाद आपको कुछ इस तरह से ओपन होकर आएगा। तो अकाउंट बनाने के लिए यहाँ पर सेविंग पे आइए। सेविंग पे आने के बाद आपको क्या देखना है यहाँ पे, कि यहाँ पे लिख रखा है सेविंग अकाउंट, सैलरी अकाउंट, यहाँ सेविंग अकाउंट, सैलरी अकाउंट, करंट अकाउंट, वर्ल्ड अकाउंट। तो आप यहाँ से भी जाके आप अकाउंट को ओपन कर सकते हैं। जैसे यहाँ से मैं चला गया, यहाँ से भी आप क्या कर सकते हैं अकाउंट को ओपन कर सकते हैं। तो यह सब आपके नेट पर डिपेंड करता है कि आपका नेट कितना फास्ट काम कर रहा है। ओपन इंस्टॉलिंग पर मैं क्लिक कर दूंगा। ओपन होने के बाद क्या करना है, यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर डाल देना है, यहाँ पे आपको कैप्चा भर देना है और इसको प्रोसीड पे क्लिक कर दीजिए। प्रोसीड ओके कर दिया। प्रोसीड जैसे ओके कीजिएगा आपको कुछ इस तरह से ओपन होकर आएगा। आपको यहाँ पर मोबाइल डेस्कटॉप मोबाइल नंबर पर जो भी मोबाइल नंबर डाले हैं उस पर एक OTP पहुँचा होगा। आपको क्या करना है, OTP यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर डाल देना है। OTP डालने के बाद यहाँ प्रोसीड पर क्लिक कर दिया। प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरह से ओपन होकर आएगा। आपको मतलब KYC के लिए क्या करना है, आधार कार्ड लेना है, पासपोर्ट लेना है, ड्राइविंग लाइसेंस लेना है, वोटर आई डी लेना है, तो मैं आधार कार्ड ही चूज़ कर लेता हूँ। इसके बाद आपको क्या करना है, ये टर्म एंड कंडीशन को रीड कर लीजिएगा। इसके बाद एग्री पर क्लिक कर दीजिएगा। एग्री पर क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरह से प्रोसेस होकर आएगा। तो डॉक्यूमेंट नंबर मांग रहा है, मतलब आधार नंबर मांग रहा है, तो आप यहाँ से आप अपना आधार नंबर यहाँ दे सकते हैं। तो मैं अपना आधार नंबर डालने के बाद ये प्रोसीड पे ओके कर दिया। प्रोसीड पे ओके करने के बाद आपको कुछ इस तरह से आइकन ओपन होके आएगा। इस तरह से ओपन होके आएगा। ओपन होने के बाद आपको क्या कीजिएगा, यहाँ सेविंग अकाउंट है, सेविंग अकाउंट में ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद मैं यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन आप रीड कर सकते हैं। जैसे आपको क्या बनाना है, रेगुलर सेविंग अकाउंट बनाना है, सेविंग बनाना है, सीनियर सिटीजन के लिए बनाना है, ओनर बनाना है, तो मैं यहाँ रेगुलर वाला पे ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद आप कंटिन्यू पर क्लिक कर दीजिएगा। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप अपने स्टेट और सिटी के नाम डाल सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको क्या ब्रांच का नेम सर्च कर लेना है। सर्च करने के बाद में मधुबनी डाल देता हूँ। इसके बाद कंटिन्यू पे ओके कर दीजिए। कंटिन्यू पे ओके करने के बाद आपको क्या करना है फ्रेंड, कि यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन क्रिएट करने के बाद यहाँ पे ओके कर दीजिएगा। ओके करने के बाद आपको कुछ इस तरह से आइकन देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आप क्या कीजिएगा, पहले आपको यहाँ पे अपलोड फोटोग्राफ आपका यहाँ पर फोटोग्राफ अपलोड करना पड़ेगा। इसके बाद यहाँ पर पिक्सल क्या है यह अपना सर ने यहाँ पर चूज कर लीजिएगा, मतलब डॉक्टर है, मिस है, मिसेज है, क्या है। यहाँ पे अपना ईमेल आईडी में नेम, ईमेल आईडी, डेट ऑफ बर्थ है वो है कि नहीं, फादर नेम, मदर नेम, नेशनलिटी, और अप्लाई मेल स्टेटमेंट, इसके बाद अप्लाई, इंसर्ट अलर्ट, इसके बाद यस, और नॉमिनी का नाम यहाँ डाल सकते हैं, पेन नंबर डाल सकते हैं। इसके बाद क्या करते हैं आप लोग, पेन नंबर पे यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर सिर्फ क्लिक कर दीजिए। जैसे मैं यहाँ पर आपको फोटो अपलोड करके यहाँ पर दिखलाने वाला हूँ, तो यहाँ पर आप क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पर जहाँ भी फोटो रखे हैं वहाँ से सिलेक्ट करके ओपन करके यहाँ सेव कर लीजिए। तो आइए मैं फटाफट इसको भर लेता हूँ। पिक्चर अपलोड कर लिया है और ये पूरे एड्रेस मैंने यहाँ फिलअप कर दिया है। इसके बाद पैन कार्ड आप फिलअप कीजिएगा तो कुछ इस तरह वेरीफाइड होकर आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पैन कार्ड अपलोड कर दीजिएगा। अपलोड करने के बाद यहाँ प्रोसीड पर ऑप्शन आएगा, प्रोसीड ओके कर दीजिएगा। ओके करने के बाद आपको कुछ इस तरह से ओपन होकर ये दिखलाई देगा। फाइनली मेरा ये अपलोड हो गया। अपलोड होने के बाद आपको कुछ इस तरह से ऑप्शन दिखलाई देगा। आपको क्या करना है कि यहाँ पर रेसिडेंशियल टाइप का आपका जो भी
क्या है ये आपका अकाउंट तो ऑनर है या कंपनी का है या रेजिडेंशियल, जैसे मेरा ये स्वयं कार्ड में यहाँ पर फिलअप कर लेता हूँ। इसके बाद कि क्या रेजिडेंशियल स्टेटस ना पूरा एड्रेस फिलअप कर ले, यहाँ मिलिंग एड्रेस पर अगर आपका मिलिंग एड्रेस है जहाँ से आपको मिल सकता है तो आप यहाँ डाल सकते हैं। अगर आपका मिलिंग एड्रेस नहीं है जैसे आपका कोई परमानेंट एड्रेस है तो आप यहाँ परमानेंट एड्रेस भी डाल सकते हैं। अगर आपका मिलिंग एड्रेस और परमानेंट एड्रेस अगर सेम है तो आप टिक मार्क कर दीजिएगा तो ये दोनों आपका सेम हो जाएगा। इसके बाद क्या कीजिएगा, आप इसको कंटिन्यू पर ओके कर दीजिए। जैसे कंटिन्यू पर ओके कीजिएगा तो कुछ इस तरह से आपको ओपन होकर आएगा। यहाँ पर क्या करना है, आपका ओपेसिटी आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। जैसे आपका हाउस वाइफ है, अदर है, पोलिटिकल है, सैलिड है, या सेल्फ एम्प्लॉयड है, या सेल्फ एम्प्लॉयड है, स्टूडेंट है, तो क्या है तो आप इसमें जैसे मैं स्टूडेंट तो यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, शेयर ऑफ फंड आप मतलब क्या है, फंड बिजनेस है, इनकम है, अदर है, अदर सैलरी है, तो आपको क्या है इनकम बिजनेस इनकम है तो बिजनेस आप ओके कर दीजिए। इसके बाद क्या है कितना आपका इनकम है, मतलब सालाना आपका कितना इनकम है तो एनुअल इनकम आपको बोल रहा है, ग्रॉस एनुअल इनकम पर कितना है। जैसे मेरा यहाँ 50,000 है तो मैं यहाँ 50,000 डाल देता हूँ। क्या करना है वो कंटिन्यू ओके कर देना। जैसे कंटिन्यू ओके कीजिएगा आपको कुछ इस तरह से प्रोसेस होकर दिखला देगा। आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको क्या करना है कि ओनली आईडी प्रूफ या आईडी एंड एड्रेस प्रूफ, तो हमको आईडी एंड एड्रेस प्रूफ दोनों को ओके करने है। इसके बाद क्या करना है, आपको यहाँ आईडी प्रूफ अपलोड करना है और यहाँ एड्रेस प्रूफ अपलोड करना है। अपलोड करने के लिए क्या करना है, आपको ये आईडी प्रूफ अपलोड करने के लिए आप प्लस वाला आइकन पर ओके कीजिए। ओके करने के बाद आपको प्रूफ जहाँ वो फाइल रखे होंगे वहाँ से आपको फाइल को चूज कर लेंगे। जैसे मैं यहाँ पर इंडेक्स पर रख रखा हूँ तो मैं यहाँ से चूज कर लेता हूँ। तो फाइनली मैं यहाँ आईडी प्रूफ और एड्रेस प्रूफ अपलोड कर लिया। अपलोड करने के बाद क्या करना है, आपको प्रोसीड पर क्लिक कर दीजिए। प्रोसेसिंग स्टार्ट हो गया है, आपको कुछ वेट कर लेना है। आपको क्या करना है, नॉमिनी डिटेल देना है। इसके बाद क्या अगर नॉमिनी का एड्रेस यहाँ पर आपको फिलअप कर देना है। इसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक कर देना। करने के बाद आपको कुछ इस तरह से प्रोसेस होकर दिखलाई देगा। बर्थ ऑफ स्टेट का बर्थ कहाँ पैदा हुआ है, जैसे मैं बिहार का हूँ तो यहाँ बिहार डाल दीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर सिटी ऑफ बर्थ अब कहाँ का है, तो जहाँ का है तो वहाँ का आप इसमें डाल सकते हैं। जैसे मैंने ना इसे टिक मार्क कर देना है। टिक मार्क करने के बाद यहाँ पर क्या करना है कि पर भी दे सकते हैं या सबमिट कर सकते हैं, तो आप यहाँ सबमिट कर दीजिए। फ्रेंड मेरा ये सबमिट होने के बाद मेरा देख रहे हैं कि कंग्रेचुलेशन नसीरा, योर रिक्वेस्ट हैज बीन सेविंग अकाउंट सबमिटेड सक्सेसफुली। मेरा ये एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर यहाँ पर आ चुका है, मेरा अकाउंट टाइप आ गया, रेगुलर सेविंग अकाउंट ब्रांच मधुबनी है। एक एप्लीकेशन पर यहाँ से चेक कर सकता हूँ कि मेरा जो अकाउंट ओपन किया हूँ उसका स्टेटस क्या है। तो यहाँ पर मोबाइल नंबर डाल के यहाँ से मैं अपने अकाउंट का स्टेटस चेक कर सकता हूँ। देखिए फ्रेंड मैं किस तरह से मैं अपना अकाउंट क्रिएट कर चुका हूँ, तो आपको इसी तरह अकाउंट क्रिएट कर लेना है। सो गाइस, अब तो आप समझ ही गए होंगे किस तरीके से आप घर बैठे आप अपने मोबाइल फ़ोन से, लैपटॉप से किस तरीके से आप HDFC बैंक में अकाउंट ओपन कर सकते हैं। सो आई होप कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए। अगर आपके दिल में कोई क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके पूछ सकते हैं।